यहाँ पर हमने पोको F1 डिवाइस के ऊपर लेटेस्ट नो ग्रेविटी कर्नल को इश्यू किया है प्रोजेक्ट एक्सिलर कस्टम नाम के साथ। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है यहाँ पर जो नो ग्रेविटी कर्नल है प्लस ये जो प्रोजेक्ट एक्सिलर रॉम है इसका जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले, किस तरह से परफॉर्मेंस देने को मिलता है, बेंचमार्किंग, बैटरी बैकअप, हीटिंग, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। किस तरह से इस कर्नल को इंस्टॉल करना होगा, किस तरह से इस प्रोजेक्ट एक्सिलर कस्टम को इंस्टॉल करना होगा, इसका जो इंस्टॉलेशन वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, सिंपली पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। हमने यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो को अपलोड किया है। एनीवे यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के लिए ऑफिशियल बिल्ड है प्रोजेक्ट एक्सिलर कस्टम की तरफ से, यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ अवेलेबल है। एंड ये जो नो ग्रेविटी कर्नल है एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ भी काम कर चुके, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर लेटेस्ट 5th January का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है प्रोजेक्ट एक्सिलर 3.5 के बिल्ड है। एंड कर्नल की अगर बात करें यहाँ पर जो 4.9 बेस कर्नल है, तो यहाँ पर जो नो ग्राफिटी कर्नल का जो 4.2.0 का जो बिल्ड है हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है लेटेस्ट वर्सन है। एंड एज बिल्ड है तो इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है देख सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है, यहाँ पर जो यहाँ पर ऐप ओपनिंग स्पीड है काफी बढ़िया है, प्लस यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है इस रैम के साथ इस कर्नल के साथ जो है काफी बढ़िया है, कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। प्लस अगर बात करें पर जो बेंचमार्किंग एप्लीकेशन के बारे में, हमने यहाँ पर जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को रन किया था, यहाँ पर जो है 3DMark के साथ जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो 1850 का स्कोर है, 3DMark के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो 1850 का जो स्कोर देने को मिल गया है जो कि काफी बढ़िया है। अगर बात करें पर जो है Geekbench 5 के बारे में, यहाँ पर जो है सिंगल कोर के साथ जो है 515, मल्टी कोर के साथ जो है 2311 का स्कोर देने को मिल गया है Geekbench 5.4.6 के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ नो ग्रेविटी कर्नल के साथ जो कि काफी बढ़िया है। पर जो एवरेज जो स्कोर है सिंगल कोर के साथ एवरेज से काफी ज्यादा है, प्लस मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर के साथ जो है एवरेज से ज्यादा स्कोर देने को मिल गया है। तो पर जो मल्टी कोर का जो स्कोर है एंड सिंगल कोर का जो स्कोर है इस कर्नल के साथ इस रॉम के साथ जो है काफी बढ़िया है। अगर बात करें पर जो सेफ्टी नेट के बारे में, पर जो बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस रॉम के साथ, तो पर जो बाय डिफॉल्ट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। अगर बात करें पर जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 190, एवरेज 183, मिनिमम है 168, यहाँ पर जो 93% का CPU थ्रॉटल देने को मिल गया है, मैक्स CPU गया है 2.80 GHz तक। तो यहाँ पर नो ग्रेविटी कर्नल के साथ प्रोजेक्ट एक्सिलर कस्टम रॉम के साथ जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है, एंड यहाँ पर जो है बेंचमार्किंग के साथ भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं हीटिंग के बारे में, तो यहाँ पर एक बढ़िया बात है जो इस रॉम के साथ जो इस कर्नल के साथ जो है कोई भी हीटिंग इशू देने को नहीं मिलता है। अगर आप गेमिंग करोगे तो आपको कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया लगेगा, कोई भी लैग कोई भी हीटिंग इशू देने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इस कर्नल के साथ इस रॉम के साथ जो कोई भी हीटिंग इशू अभी फिलहाल हमें यहाँ पर इस अभी देखने को नहीं मिला है, कोई भी हीटिंग इशू अभी फिलहाल नहीं है। एंड यहाँ पर गेमिंग के दौरान भी कोई भी लैग कोई भी हैंग इशू नहीं है, परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़िया है। एंड डेफिनेटली आप इस रॉम को इस कर्नल के साथ जो गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, पोको F1 डिवाइस के साथ कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है ये जो प्रोजेक्ट एक्सिलर 3.5 का जो बिल्ड है इसमें क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो वाईफाई डिस्प्ले का जो ऑप्शन था वो काम नहीं कर रहा था, जो यहाँ पर कास्ट स्क्रीन का जो ऑप्शन था काम नहीं कर रहा था, उसे फिक्स किया गया है इस अपडेट के साथ जो वाईफाई डिस्प्ले का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो लैग देने को मिल रहा था उसे भी फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर जो लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन है वो क्रैश कर जा रहा था उसे फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर देने को मिलेगा, यहाँ पर जो थर्मल यहाँ पर प्रोफाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है जो कि आपको सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो बैटरी बैकअप को भी इम्प्रूव किया गया है, बैटरी के बारे में हम जो है थोड़ा सा बाद में बात करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर सॉरी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है। पोको F1 डिवाइस को अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करके तो आपको यहाँ पर ज्यादा बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो है AMOLED डिस्प्ले नहीं है, इसलिए आपके ऊपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का अगर आप यूज करके आपको ज्यादा
बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा, ये चीज हमने नोटिस किया है। देख सकते हो जिस तरह से जो लो ब्राइटनेस का जो इशू देने को मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर जो ऑटो वाले ऑटो यहाँ पर जो है ओके, तो देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से पड़े लो ब्राइटनेस का जो इशू देने को मिल रहा है, ये चीज हमने नोटिस किया है। अभी फिलहाल जो ब्राइटनेस यहाँ पर जो फुल हो गया है, फिर से हम जो है ऑटो एड बैलेंस को यहाँ पर सॉरी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एनेबल करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ जो है पोको फोन डिवाइस को कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलेगा। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को ऐड किया गया है, अगर आप एओडी को यूज करके आपको बैटरी ड्रेन ज्यादा देने को मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ जो है बैटरी ड्रेन ज्यादा देने को मिलता है, क्योंकि पोको फोन डिवाइस को जो एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसलिए एनीवे पर एओडी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान आपको जो है अलग से कर्नल को फ्लैश करना होगा, वरना एज रॉम में बूट नहीं होगा। एंड आप सिंपली जो इंस्टॉलेशन वीडियो उसे आप चेकआउट करके देखो। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इमोयूआई कैमरा को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है इमोयूआई कैमरा को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है एचडीआर मोड के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। पर जो एचडीआर का ऑप्शन है, एआई कैमरा का ऑप्शन है, बाकी ये सभी ऑप्शन से पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो है फुल एचडी 60fps का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं, जो कि आपको अलग से एनेबल करना होगा। यहाँ पर प्रोमोट का ऑप्शन है, वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, आईओएस का ऑप्शन है, ईवी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्रोमोट के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन है, पर पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन है, पैनोरामा का ऑप्शन है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो, ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर एमआईयूआई का जो कैमरा एप्लीकेशन यहाँ पर काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर सेटिंग्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मोड के ऊपर जो ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर एमआईयूआई का जो कैमरा एप्लीकेशन से यहाँ पर काम करता है। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो सेपरेट पास हो जाएगा, प्लस पर जो डेटा डिजिबल इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो डेटा डिजिबल इंडिकेटर देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो जो डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है एनेबल है। प्लस 4G आइकन को ऐड किया गया है, LTE आइकन की जगह आप जो 4G आइकन को शो कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के साथ भी इंप्रूवमेंट देने को मिलेगा। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है, देख सकते हो। यहाँ पर बैटरी के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन है, यहाँ पर बैटरी हेल्थ का ऑप्शन है, बैटरी कैपेसिटी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, एंड बैटरी यूजर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। लगभग देख सकते हो हमने यहाँ पर जो 2 hours and 40 minutes के आसपास पर स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल रहा है। अभी भी 71% के आसपास बैटरी है। लगभग यहाँ पर आपको जो है 7 hours के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। 7 hours से 8 hours के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है इस कर्नल के साथ, इस रॉम के साथ जो है काफी बढ़िया है। अगर आप गेमिंग करोगे तो आपको लगभग यहाँ पर जो है 4 hours के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा। एंड डिपेंड करता है आप जो है किस तरह से आपके डिवाइस को यूज करते हो, तो आप जो है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। उस तरह से आपको काफी बढ़िया यहाँ पर जो है गेमिंग भी कर पाओगे। प्लस जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है, बैटरी बैकअप के साथ जो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट के बारे में। तो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर बात करें पर फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया। पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है काफी फास्ट है, तो पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा बहुत ही बढ़िया बात है। अगर बात करें पर जो फेस अनलॉक के बारे में, जो फेस अनलॉक भी काफी फास्ट है, तो बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो लोकेशन देने को मिलेगा, पर जो फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, कैमरा का ऑप्शन है। तो यहाँ पर फेस अनलॉक काम करते हैं, फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है ऐप लॉक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ जो है ऐप लॉक यूज कर सकते हो। कैमरा टू एपीआई की अगर बात करें, कैमरा टू एपीआई के साथ जो फुल का सपोर्ट है। यहाँ पर जीकैम काम कर जाएगा, गूगल कैमरा यहाँ पर काम कर जाएगा, जीकैम गो काम करते हैं, पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो मोड, ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर ट्रांसलेट का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। बाय डिफॉल्ट इस जीकैम के साथ जो है पर प्ले स्टोर अवेलेबल है, यहाँ पर जो है जी एप्स अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं जो है यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन सेटिंग्स की अगर बात करें, तो जो गेस्चर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर गेस्चर्स के ऊपर जो स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, डबल टैप का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन है, क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन है, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, वॉल्टी, वो वाईफाई, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एक्स्ट्रा डिम, नाइट मोड, डार्क मोड, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। जरूर से चेकआउट करके देखो। यहाँ पर जो है OTA अपडेट को इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। थर्मल पोल का जो ऑप्शन से काम करता है, लोकेशन प्राइवेसी का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन है, वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, इसे भी ऐड किया गया है। पर MI का जो साउंड एनहांसर का ऑप्शन है, क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस ढेर सारी
कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो क्या क्या ऑप्शंस को ऐड किया गया है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। अगर आपको बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए, तो आप जरूर से इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो, प्लस जो कर्नल है उसे भी फ्लैश कर सकते हो। रॉम एंड कर्नल दोनों का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है जरूर से चेकआउट करके देखो। चलो बाय बाय।